हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेकंड पार्ट ऑफ कतर सीरीज। आज हम हैं अल अजीजिया, ये बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं, अल अजीजिया वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मॉल्स इन दोहा सिटी, और ये मॉल इन्होंने इटली के सिटी विनिस की तर्ज का बनाया है। यहाँ पे आपको बहुत खूबसूरत किस्म की सीनरी देखने को मिलेगी। आई होप मैं और आप इस व्लॉग को एंजॉय करेंगे, बहुत अच्छा वाला एक्सपीरियंस होने वाला है। तो लेट्स डाइव इनटू इट। मैं अपनी वीडियो कम बनाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ का एक्सपीरियंस बनाऊंगा, तो आप देखते हैं कैसा सीन चलता है। बाय द वे, ये आसमान नहीं है, ये इन्होंने ना इसकी रूफ इस तरह की बनाई हुई है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे बादल बने हुए हैं, तो ये आर्टिफिशियल है। बहुत खूबसूरत किस्म का बनाया हुआ है। तो यार कतर में बहुत मज़ा आ रहा है। वैसे एक सीन है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बाकी अगर गर्मी ना होती तो ये बेस्ट है, बहुत खूबसूरत है और पता चलता है इनका कल्चर भी रिच है और ये खुद भी बहुत रिच है। How beautiful is this? हिमालय के बीच ये बना हुआ है, तो लोग इस पे सफर करते हैं और शॉपिंग करते हैं और इन्जॉय करते हैं। बहुत ही आला किस्म का माल बनाया हुआ है इन्होंने, माशाल्लाह। अच्छा, आई थिंक इसके ऊपर भी ना रेस्टोरेंट वगैरह बने हुए हैं, तो खाने वगैरह बहुत मज़े के हैं। तो बेसिकली ये मैकडोनल्ड्स है, टू बर्गर्स, चिप्स एंड ड्रिंक, 17 रियाल। आई थिंक ठीक है यार पाकिस्तान के हिसाब से। तो आज का मील अल अजीजिया से, आई थिंक मेरी फेवरेट प्लेस यही होगी कतर में, क्योंकि अभी मैंने सारा कतर फिरा नहीं, बल्कि दोहा ही नहीं सारा फिरा, कुछ प्लेसेस भी हैं, लेकिन ये सबसे खूबसूरत लगी और ये मुझे बहुत पसंद आ रही है। सो बेसिकली आई हैव नेवर ट्रैवल्ड ऑन एनी रूट, तो ये प्रीटी सिक्योर है, तो टिकट बाय कर लिया। लेट्स डाइव इन टू इट। रे वो आ रहे, ये भी मेरी राइड स्टार्ट होने वाली है। लेट्स गो इनसाइड। टन टन टन, पहली बार एक्सपीरियंस हो रहा है यार, कभी भी नहीं किया, और बहुत मजे का सीन है। वाटर इज जस्ट देयर। और ये भाई हैं जो मुझे साथ में लेके जा रहे हैं। ऊपर सीन्स देखें, ये आर्टिफिशियल है सब, लेकिन क्या खूबसूरत माशाल्लाह बनाया हुआ है। ये साथ में माल्स हैं, वाटर मी विद मी। सो बेसिकली मेरे पास अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम है कतर में स्पेंड करने के लिए, तो मैं कतर का
सारा टाइम बहुत इंजॉय कर रहा हूँ और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन मसला ये है कि कतर में गर्मी बहुत ज़्यादा है, अगर बाहर जाएँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। अगर माल्स के अंदर जैसा कि ये है लगता है ऐसे ही जैसे बाहर है, लेकिन ये माल के अंदर है, यहाँ बहुत सर्दी है, यहाँ अच्छा वेदर है, लेकिन बाहर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा गर्मी आएगी। वाओ, माशाल्लाह, ये माशाल्लाह। अगेन कतर इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज। मुसलमानों के जितने भी ममालिक हैं उनमें से जो अमीर ममालिक हैं उनमें से एक कतर है। तो ये नज़र आ रहा है माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ से क्योंकि ये माल है तो क्लॉथ वगैरह और गिफ्ट्स वगैरह मिल सकते हैं यहाँ से, सूट्स वगैरह हर तरह की चीज़ें यहाँ से मिलती हैं। ये बेसिकली सीट्स हैं और ये हम जा रहे हैं। अच्छा, इसमें ये है कि अगर तो आप फैमिली के साथ आते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि एक पर्सन मैं सिंगल पर्सन तो मैंने डबल पे किए हैं, पर डबल मैंने 20-20 रियाल पे किए हैं। तो अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो ईच पर्सन 10 रियाल, यानी कि अगर दो पर्सन बैठेंगे तो उन्हें भी 20 रियाल ही पे करना पड़ेंगे। तो बेस्ट ये है कि अपने फ्रेंड या किसी फैमिली के साथ आएँ तो वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होगा। मैं क्योंकि खुद अकेला इंजॉय करना चाह रहा था तो मैं कर रहा हूँ। चले जी, ये कंप्लीट हो गया, मेरी राइड कंप्लीट हो गई है। मज़ा आया और बहुत ही अच्छा है, सबको आना चाहिए, हाईली रिकमेंडेड। थैंक यू सो मच। सवाल ये है कि यार इतना खूबसूरत क्यों बना देते हो कि जाने को दिल ही ना करे। लुक एट द ब्यूटी यार। तो बेसिकली इधर तो मैं यही बात करूंगा कि तुम कतर आए और अल अजीजिया नहीं आए तो कतर लेने के आए भाई, ना आते, इतना आसान है। बेसिकली कतर इज जस्ट लव। तो वो लोग जो गल्फ कंट्रीज में रहते हैं उनके लिए तो बेस्ट प्लेस है टू विजिट।